पांच मिनट किस करने तय 100 कैलोरी बर्न होती है कामेस उत्तरा में 350 से ज़्यादा पोजीशन है कि भाई ये पोजीशन मेरे लिए थी नहीं मैं इसलिए नहीं कर पाया बॉडी का मोटापा और पतलापन और लंबाई मायने नहीं रखता मायने रखता है फ्लेक्सिबिलिटी पांच मिनट किस करने तय 100 कैलोरी uh, बर्न होती है हाँ। मतलब क्या चक्कर है ये सच्चाई है इस बात के पीछे या खाली व्यू का चक्कर था ये नहीं नहीं बिल्कुल है आप गूगल सर्च करो इफ यू आर किसिंग पैशनेटली फॉर फाइव मिनट्स आपका हंड्रेड कैलोरीज अप्रोक्सीमेटली नाइनटी हंड्रेड कैलोरीज बर्न होता है इसलिए वो रील इस बारे में थी कि पोजिशंस के बारे में जानकारी जरूरी है हम सबको जी ठीक है मैं आ, जब मैंने 2021 में अपनी वीडियोस बनानी शुरू की YouTube कपल्स पे, पे हाँ हम कपल्स पे बात करते हैं तो मैंने बहुत बार कपल्स को देखा जब मैं पूछती हूँ कि आप कौन सा पोजीशन लेते हैं जैसे उन्होंने बोला हमें कंसीव करना है बेबी है तो कौन से पोजीशन में करें या क्या होना चाहिए अब पोजिशन को ना लोग हवस से रिलेट करते हैं हाँ, मतलब ऐसे देखते हैं कि भाई इन्होंने तो कुछ गलती बोल दिया कि ये तो हवस है अरे कितने कपल्स हैं जिनका बॉडी वेट और हाइट आपस में मिलता नहीं है नहीं। हर कोई सेम शक्ल का थोड़ी ना होगा सेम बॉडी नहीं, नहीं होगी नहीं। जो आपने उन फिल्म्स में देखा आपको लगता है ऐसा फिगर होना चाहिए इंडिया में ऐसा नहीं है हम अलग अलग जगह के हैं कोई वाइफ हेल्दी हो सकती है हस्बैंड पतला हो सकता है हस्बैंड हेल्दी हो सकता है वाइफ हाइट वेट का फर्क हो सकता है उनके बॉडी टोन का फर्क हो सकता है इसलिए अलग अलग पोजीशंस होती हैं और वो अलग अलग पोजीशंस हर किसी में अलग काम करती हैं जो मैं पोजीशन यूज कर रही हूँ वो कोई और नहीं कर सकता हर कोई अलग है हर, हर किसी इसलिए काम में तीन सौ पैतीस से ज्यादा पोजिशन है <laughs> आपको पता है नहीं <laughs> आपको लगता यही <ये> होती होगी <laughs> फिर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं फिर आप एक दूसरे को ब्लेम करते हो कि तू नहीं कर पा रही तू वज़न क्यों नहीं घटाती तुम ऐसे क्यों नहीं करते तुम ये क्यों नहीं करते तुम्हारा साइज नहीं है तुम ऐसे नहीं फिर वो क्या है नेगेटिविटी स्टार्ट होती है फिर आदमी अंदाध दवाइयों के पीछे भागता है इस डॉक्टर को दिखा ले ये खा ले ये गोली खा ले किसी ने बोला ये खा ये वाला हकीम है फिर वो भाग रहा है भाग रहा है फिर फिर वो जिंदगी में भाग रहा है उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये पोजीशन मेरे लिए थी नहीं मैं इसलिए नहीं कर पाया अभी आपने जैसे मोटापे को लेके बात करी है जी तो जैसे लोग जज कर लेते हैं किसी भी मोटे इंसान को लड़का हो या लड़कियों से देख के जज कर लेते हैं कि भाई ये तो इसकी तो बैड लाइफ अच्छी होगी, होगी ना, नहीं ये तो हाँ। मतलब जो हाँ। वो वाली लाइफ है ना वो जी ना पा रहा होगा हाँ, हाँ। तो क्या है इस बार ऐसा में बिल्कुल भी नहीं है बॉडी का मोटापा और पतलापन और लंबाई मायने नहीं रखता मायने रखता है फ्लेक्सीबिलिटी ठीक है योगा हर कोई कर सकता है और योगा के लिए आपको कोई ऐसे ऊटपटांग के एक्सप्रेशन नहीं लेने हैं ठीक है योग इज इंटरनल बॉडी ठीक है योग का मतलब है आप जो सांसें ले रहे हो उसको आप कितना अपने जीवन में धारते हो ठीक है, है? वो योग है उसके लिए आपके पास अलग अलग स्ट्रेचिंग्स हैं अलग अलग एंगल्स हैं ताकि आपके ब्रेन मतलब बॉडी के हर एरिया में वो सांस जा पाए वो मैक्सिमम वर्क कर पाए वही मतलब पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा है अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो चाहे आपका वेट कम है ज्यादा है अगर आप रूटीन के सारे काम कर रहे हो तो आप हेल्दी हो जी ठीक है लेकिन अगर आपका वेट है पचास सत्तर आप टायर्ड हो आपका उठने का मन नहीं करता आप फोन में हो आपको बाहर हाँ। की दुनिया से डरने लग अब आप बाहर ही नहीं निकल पाते आपको लगता है ये मेरे को देख रहा है ये मुझे ऐसे कर रहा है तो आप वैसे ही अनहेल्दी हो ठीक थी। है ये सब है यही दिमाग का खेल दिमाग है का खेल है और करने वाले दस किलो घटा के बढ़ा के सब कर लेते हैं, हैं। इसलिए लेडीज पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत क्वेश्चन की जाती हैं ठीक है कि आ, एकदम से वेट बढ़ गया और अब हो नहीं पाएगा अब तो बेबी हो गया अभी तो वो इतनी नेगेटिविटी में चली जाती हैं कि वो प्रेगनेंसी से डरने लग जाती हैं <laughs> बहुत सारी लेडीज का पूछो ना दूसरा करना है वो माफ, करो जी. माफ हाँ, उसने वो देखा कि उसके शरीर में कैसे बदलाव आए उसको कितना समय लगा फिर नॉर्मल होने में आज जो आप मेरा वेट देख रहे हो मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं आपने पिछले साल से गेन किया और ये वो बच्चा है तो चीजें बदलेंगी सिचुएशन बदलती हैं और वो धीरे धीरे वापस आने में वक्त लेती हैं आप ऐसे नहीं सोच सकते कि आ, तुम कैसे थी और कैसी रहोगी और हम सब के शरीर चाल ढाल हमारी प्रकृति अलग है हाँ, अलग ठीक है? है अगर हाथी कंपेयर करने लगे कि यार मैं तो हिरण जैसा तेज नहीं भाग सकता हाथ हाथी हाँ, तो है बनते इन चीजों का ये कैसा कंपैरिजन है भाई जो हाथी का और है जैसा वो चलता है जैसा वो लोगों से मिलता है वो बहुत अलग है

और वॉइस वीडियो चैट या क्लिनिकल कंसल्टेशन बुक करें आप कॉल भी कर सकते हैं नाइन सेवन टू एट वन थ्री टू सिक्स थ्री सेवन पर